How are you? Hope you all are very good. Students, हम कर रहे हैं टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण का सर्वनाम. तो इसका जो लास्ट भेद हमारा बचा हुआ है वो है 5 हम कर चुके हैं, ठीक है. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक. तो आज हमारा 6th भेद हम करेंगे, 6th टाइप जो है सर्वनाम का वो होगा बच्चों निजवाचक सर्वनाम. क्या होगा? निज वाचक सर्वनाम. बच्चों निजवाचक सर्वनाम, फिर से आप यहाँ पे शब्द को पहचानिए. निजवाचक में एक शब्द है निज. निज मीन्स क्या होता है सोचिए. निज मीन्स बच्चों अपना, स्वयं का, ठीक है. ठीक है, तो निज शब्द का अर्थ है बच्चों स्वयं, अपना. तो जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों. ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें स्वयं के बारे में, स्वयं का बोध कराते हों, स्वयं के लिए हम उनका प्रयोग करते हों, वे सर्वनाम शब्द कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम शब्द. ठीक है, फिर से सुनिए. ऐसे सर्वनाम शब्द जो हम स्वयं के लिए यानी निज के लिए प्रयोग करें, ठीक है, जिनसे हमें स्वयं का पता लगे. आप अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, तो वे सर्वनाम शब्द कहलाएंगे. किसमें आएंगे बच्चों? वो निजवाचक सर्वनाम में आएंगे. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल, वह मेरी कार है. ठीक है, मैंने, दूसरा एग्जाम्पल, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है. ठीक है, वह अपने घर गया है. ठीक है, तो अब हम इन उदाहरण को अच्छे से समझते हैं, डेफिनेशन हमें स्वयं ही समझ में आ जाएगी. तो पहला उदाहरण क्या है बच्चों? वह मेरी कार है. ठीक है, तो कौन सा शब्द इस पूरे वाक्य में, कौन सा शब्द स्वयं के बारे में, स्वयं का, निज का बोध कराता है? ध्यान से देखेंगे, ये वह है. वह भी एक सर्वनाम है. कौन सा सर्वनाम है सोचिए. हम पढ़ चुके हैं वह. किसके बारे में बात हो रही है? क्या मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ? नहीं. आपके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं. तो मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, वह. ठीक है, तो अपने बारे में, आपके बारे में और किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो कौन सा सर्वनाम हो? हाँ, तो बच्चों एग्जाम्पल फर्स्ट है, पहला उदाहरण, वह मेरी कार है. ठीक है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द आपको छांटना है. सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि वह जो है यह भी एक सर्वनाम शब्द है. ठीक है, कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक, क्योंकि इसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह. ठीक है, क्या होता है पुरुषवाचक? जिसमें हम, मैं अपने बारे में, आपके बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते वक्त जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं वे हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है, तो ये तो क्लियर है आपको कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम है. ठीक है,
अब यहाँ पर जो संज्ञा है वो है कार, कार। मेरी जो शब्द है बच्चों वो क्या समझा रहा है, कार किसकी है, मेरी है। तो जो भी शब्द स्वयं के बारे में अपनी अपने बारे में बताते हैं वे शब्द कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जैसे मेरी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मेरी हो गया निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरे ख उदाहरण में आइए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ठीक है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। मैंने, तो इसमें ये कौन सा सर्वनाम है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने बारे में, तो फिर से कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें किस शब्द से, किस सर्वनाम शब्द से पता लग रहा है कि स्वयं का बोध हो रहा हो जिससे, तो बहुत ही ईजी है ये तो, अपना, ये जो शब्द है अपना, ठीक है, इससे पता लग रहा है कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो अपना शब्द भी क्या होगा बच्चों, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आइए तीसरे उदाहरण में, वह अपने घर गया है, फिर से वह, ये फिर से क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसके अपने बारे में किससे सबसे पता लग रहा है, अपने, ठीक है, स्वयं के बारे में पता लग रहा है उसके। तो अपने शब्द से हमें क्या पता लग रहा है कि वह व्यक्ति उसके खुद के स्वयं के घर में गया है, तो अपने शब्द से स्वयं का पता लग रहा है, तो ये भी किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा सिक्स्थ भेद सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। अब इसको आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।